जो सिद्धि है वही कामयाब है। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम दिन से तो निकलते हैं, अपने घर से तो निकलते हैं बहुत खुशी खुशी, मगर हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। बॉस कभी लड़ने लग जाता है, कभी बीवी का फोन आता है पीछे से, ए भाई ये तूने करा क्यों नहीं, बच्चों को लेकर आया क्यों नहीं, सब्जी लाया क्यों नहीं, और लड़ाई करना चालू कर देती है। कई बार हमारे घर वाले भी हमसे गुस्सा हो जाते हैं। दोस्तों ये सारा एनर्जीज का खेल होता है। जीवन में स्त्रियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है आपकी लाइफ में, इनफैक्ट सबकी लाइफ में। एक स्त्री माता भी होती है, बहन भी होती है, वाइफ भी होती है, बहुत सारे रूप होते हैं स्त्रियों के, मगर स्त्रियों से ही परिवार कंगाल और खुशहाल भी होता है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो औरतों के रिलेटेड भगवान ने बताई हैं, और बहुत बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आचार्य चाणक्य जी ने बताई हैं, बहुत बड़ी वास्तु शास्त्र में भी बहुत कुछ लिखा होता है। दोस्तों हमें इन सब चीज़ों को संजो के रखा हुआ है हमारे शास्त्रों में, किताबों में, उन्हीं से रिलेटेड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि औरतों की इन चीज़ों को कभी भी आपको घर पे नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि मेरी ये बातें आपको थोड़ी पुरानी लगे, दकिया लूजी लगे, आपका यार क्या भौंके जा रहा है कुत्तों की तरह, ये कोई बात होती है क्या यार, दिस एंड दैट, मगर दोस्तों ये बातें जेन्युइनली वर्क करती हैं। दोस्तों औरतों के विषय में सबसे पहली चीज़, फटे गले कपड़े औरतों को कभी भी नहीं पहनने चाहिए। अब आप बोलोगे इसमें क्या नई बात है, इसमें क्या वो हो गया, ये तो कोई बहुत ही नॉर्मल सी बात है, मगर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि फटे गले कपड़े से मेरा मीन है जो थोड़े से भी फट रहे हों, थोड़े से भी गंदे हो रहे हो, अच्छे ना हो। दोस्तों एक औरत की भूमिका, नारी की भूमिका बहुत अच्छी होती है, बहुत आदरणीय होती है। अगर आपकी माता बहन थोड़े से भी ख़राब कपड़े, गंदे कपड़े या फिर सही कपड़े नहीं पहन रहे, तो आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों इससे होगा ये कि भगवान डबल करके आप ही को देंगे। दोस्तों एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो शेयर करते हैं, जो अपने पैसे को शेयर करने में बिलीव करते हैं, उनका पैसा दुगना चौगुना होता है। आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को देख लीजिए, वो 100% 200% प्रॉफिट कमाती है। वो इसीलिए प्रॉफिट कमाती है क्योंकि वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर करने में बिलीव करती है। वो चाहती है कि अगर हम कमा रहे हैं 100 रुपये तो हम 10-15 रुपये बांट भी देंगे तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर हमें आगे जाके 300 रुपये भी उसी काम से मिलेंगे। इसीलिए वो अपने प्रॉफिट्स को बांटती है ताकि उनके जो इनकम है वो डबल ट्रिपल 4 गुना तक हो जाए। दोस्तों सबसे पहले तो आप यही करिए कि अपनी माताओं बहनों को या अपनी वाइफ को कुछ अच्छा सा गिफ्ट कर दीजिए, जिससे वो कभी फटे गले कपड़े ना पहने, ख़राब कपड़े ना पहने। दोस्तों दूसरी चीज़ पे तुरंत आऊँगा, किसी और औरत के कपड़े कभी भी अपने घर में मत रखिए। हो सकता है आप अपने घर में किसी, कोई आपकी वाइफ कभी थोड़े दिन के लिए कुछ किसी कपड़े ले आए कि मैं पहन के देखती हूँ। ऐसा अक्सर औरतों में होता है, आपस में कंपैरिजन होता है, वो कहती है अच्छा तू पहन रही है चल बदल बदल के पहन लेती हूँ, या फिर किसी कपड़े आ जाए गलती से धो भी दे जाए, दे कैन बी 1000 ऑफ थिंग्स, बट ऐसा कभी भी मत करें। दोस्तों वास्तु शास्त्र कहता है कि किसी और औरत के कपड़े अगर आपके घर पे हैं तो निश्चित ही आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनके दो रीजंस दिए हैं। दोस्तों सबसे पहला रीज़न तो ये आपके घर में फैमिली को, आपकी फैमिली को संकट में ला सकता है। वो सोचेंगे यार पता नहीं कैसे लोग हैं, किसी के भी कपड़े पहन लेते। दूसरी चीज़ दोस्तों, दूसरे की प्रॉब्लम्स, दूसरे की नेगेटिविटी, दूसरे की दोस्तों वो कहते हैं ना मंदिर से चप्पल मत चुराओ, उसकी नेगेटिविटी तुम्हारे पास आ जाएगी। और अगर मेरी चप्पल चोरी हो गई मंदिर से तो वाह मेरी तो ज़िंदगी सूट गई, क्योंकि मेरा दुख तो कोई और ले गया। दोस्तों ऐसे ही कपड़ों का भी हिसाब किताब है, किसी और के कपड़े कभी भी मत पहनिए, ना बोरो करिए, ना रखिए। ये आपको होगा ये कि ये आपको अल्टीमेटली गरीबी बनाएंगे। दोस्तों ऐसा काम कभी मत करिए यार। थोड़ा सा हम सोचते, देखिए जिस दिन हम तैयार व्यार होके निकलते हैं क्या रोब होता है हमारा, हम सोचते हैं यार तो दुनिया जीत लेंगे, शेर की तरह चलते हैं हम उस दिन। क्यों? क्योंकि हमारे कपड़े नए होते हैं, हमें एक हौसला होता है, और जब आप अपने ऊपर पैसे खर्च करते हैं तो आपको मन करता है कि अब मैं और कमाऊँगा। दोस्तों स्टाइल से रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों तीसरी चीज़ जो औरतों की कभी भी घर पे नहीं रखनी चाहिए वो है बाल। बालों को कॉम करने के बाद यानी कंघी करने के बाद कभी भी बालों के गुच्छे को अक्सर औरतें फेंक देती हैं घर में ही इधर उधर। वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपको कभी भी बालों के गुच्छे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से आपको निश्चित तौर पर नेगेटिविटी आएगी लाइफ में, वो गुच्छा एक तरीके से आपको तंग करेगा और आपके संतान को भी तंग कर सकता है। दोस्तों होता ये है कि ये चीज़ें आपके शरीर घर में बॉडी में अच्छी हेल्थ लाने में और शरीर में और घर गृहस्थी के जीवन में बरकत लाने में बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाती है। इसलिए बालों के गुच्छे को टिश्यू पेपर में रैप करके, अखबार में रैप करके, किसी भी चीज़ में रैप करके, नहीं तो नॉर्मली डस्टबिन में आप डाल सकते हैं और उससे पीछा छुड़वा लीजिए। ऐसा काम कभी मत करिए।
दोस्तों चौथी चीज है टूटी हुई चूड़ियां, और तो वो कभी भी नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों जब आप इतने अच्छे दिखते हैं, जब आप इतने सुंदर दिखते हैं, तो आपको ये सब फालतू की टूटी हुई चूड़ियां, टूटे हुए कपड़े, टूटी हुई चप्पलें, टूटी हुई चीजें, ऊट पटांग चीजें आपको नहीं पहननी चाहिए। जो चीज पुरानी हो गई है उसको तुरंत फेंक दीजिए, छत पे कुछ मत रखिए अपने घर की। ये सब चीजें बहुत नेगेटिविटी फैलाती हैं, इसलिए इन चीजों से दूर होकर आप अपने आप को पैसे वाला बना सकते हैं। दोस्तों पांचवी चीज है, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अक्सर होता क्या है दोस्तों, औरतों के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं आप, ना चाहते हुए भी एक बिहेवियर होता है। वो अपनी बातें अपनी फ्रेंड्स को, अपनी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी मम्मी पापा को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बता देती हैं। दोस्तों इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। हम आदमी लोग कभी भी अपनी पर्सनल वाइफ के साथ पर्सनल बातें कभी किसी का डिस्कस नहीं करेंगे, मगर यकीन मानिए दोस्तों औरतें ऐसी बातें सारी डिटेल में मतलब सब कुछ, आफ्टर मैरिज क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, सारा ए टू जेड बताती हैं, वो भी बगैर किसी बारे में संकोच करे। और प्रॉब्लम विडंबना यहाँ ये है कि जिसको वो ये औरत बता रही है, आपकी वाइफ बता रही है, आपकी गर्लफ्रेंड बता रही है, उसके पेट में ये बात नहीं पचेगी। जाहिर सी बात है वो अपने बॉयफ्रेंड को ज़रूर बताएगी, अपने पति को ज़रूर बताएगी, किसको ये बताने का मन करेगा। उसका पति ना चाहते हुए भी डिस्कस करेगा, क्योंकि उसको मज़ा आएगा कि सामने वाले आदमी का मजाक उड़ रहा है, तो चलो वो भी उड़ाएगा। दोस्तों होगा ये कि आप कुछ ऐसा करेंगे जो ना चाहते हुए आप करेंगे, और उसका मजाक सारे समाज में उड़ जाएगा। एक हाल ही का इंसिडेंट्स बताता हूँ दोस्तों, एक मेरा जानने वाला है, उसका नाम है करण, उसके बारे में कुछ पता लगा। उसकी वाइफ ने बताया कि मेरा पति रात को जल्दी आके सो जाता है चुपचाप, मतलब हमारे बीच में कोई ज़्यादा बातचीत होती नहीं है, बातचीत ही होती है बस, और तो कुछ नहीं है। ऐसी बात उसने अपने पति से होती थी, और उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया, 3-4 मुँह चलते चलते बात आगे जाके कुछ और ही बन गई। आप यकीन मानिए दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता, बट जो बनी है वो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही, वैसे देखा जाए दिलचस्प भी क्या कहेंगे इसको, कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्मिंदा करने वाली चीज़ है। तो इसलिए कभी भी अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, जिसके साथ भी आप रह रहे हैं, उनको समझाएं कि कभी भी अपने मायके में, कभी भी अपने रिश्तेदारों से, कभी भी अपनी पड़ोसन से, दोस्तों पड़ोसन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की औरत होती है, वो चाहती नहीं कि आपका घर कभी बसे, वो हमेशा चाहेगी कि आपका घर टूट जाए, आपके घर में कलेश चले, आपके घर में कभी महंगा टीवी ना आए, महंगा फ्रिज ना आए, आपके घर में कभी बरकत ना आए। ऐसे केस में आपको अपनी वाइफ को बहुत ही डिप्लोमेटिकली समझा के चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि औरतें बेवकूफ़ होती हैं, मगर औरतों को अगर प्यार से समझाया जाए, उन्हें समझा बुझा के अगर आप अपने काम को करवाएं, तो वो मान जाती हैं। उनका दिल बहुत ही कोमल किस्म का होता है। अगर आप अपने दिमाग से उनको समझाएं कि भाई देखो ये काम अगर तुम करोगे तो इससे तुम्हारे हस्बैंड की, तुम्हारी फैमिली की बदनामी होगी, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब पीठ पीछे सबकी बुराइयां करते हैं, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को, भाई को, मायके को, किसी को भी बता लो, सबके पास सिर्फ यही बात है। दोस्तों होता ये था कि मेरा एक दोस्त था, उसकी हाइट कम थी, उसकी वाइफ की हाइट ज़्यादा थी, और उसने शादी से पहले ही बोल दिया कि मेरे पति की तो हाइट कम है, मेरा पति तो कम पढ़ा लिखा है। इसका अल्टीमेटली भुगतान ये हुआ कि हमारे घर के आसपास सबको पता है कि वो लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी पैसा देख के उसने कर ली शादी, मगर अल्टीमेटली उसको अंदर ही अंदर शी इज़ नॉट हैप्पी विथ हस्बैंड। दोस्तों ऐसा इंप्रेशन कभी भी मत डालिए। दोस्तों कोई भी आपका दुख नहीं खरीदना चाहता, आप जितना मर्जी बेचो, इस दुनिया में सब कुछ बिकता है दोस्तों, दुख का कोई खरीदार नहीं होता। तो दोस्तों ये बात तो कंफर्म है कि अपने दुख को कभी भी किसी से मत बांटो, साथ ही अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को ये भी समझाओ कि कभी भी अपनी पर्सनल बातें किसी से भी डिस्कस ना करें। बहुत बारी होता क्या है कि उन लड़की की माँ भी उसको भड़का देती है, क्योंकि वो समहाओ नहीं चाहती कि उसकी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो, मगर कई बारी सिचुएशंस ऐसी होती है जो हम सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हम भी और हमारी इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो अपनी कोई गलत चीज़ नहीं बताता, सिर्फ अपनी माँ को, अपने पति के बारे में बुराइयाँ करोगे तो निश्चित ही माँ को भी लगेगा कि यार ये लड़का सही नहीं है, ये
सही चीज़ नहीं है और हम अक्सर एक तरफा बात बताते हैं, इसलिए इसका सबसे बेस्ट तरीका है अपनी प्रॉब्लम्स, जो आपकी वाइफ के साथ आपकी प्रॉब्लम हो या जो भी स्त्री के साथ आपकी प्रॉब्लम, घर में बैठ के आमने सामने बैठ के इसको सॉल्व करिए। तीसरे बंदे को उसमें इंडल्ज कभी भी मत करिए, वरना इसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है तो जरूर बताइए कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।